आजकल अश्लील वीडियोस और हस्त मैथुन का जहर हमारे देश में दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। इस सभी का समाधान मैं आपको महात्मा गांधी जी की तीन बातों से देना चाहता हूं। उनकी फर्स्ट बात ये थी कि बुरा मत देखो, जिसका आज की युवा पीढ़ी बहुत ही अच्छे तरह से उल्लंघन कर रही है। वो दिन प्रतिदिन बुरी चीजें देखती हैं और उन्हें देखकर हस्त मैथुन करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी, बुरा मत सुनो, और इसका परिणाम आप देख ही सकते हो। आज हमने गाली गलौज करने वाले लोगों को इतना पसंद किया है कि वो वर्ल्ड फेमस बना दिए हैं हमने। ये देखता है हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। और तीसरी चीज उन्होंने जो कही थी, बुरा मत बोलो। अगर हम देखेंगे बुरी चीज और अगर हम सुनेंगे बुरी चीज तो बुरा कैसे नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त। ये तीनों ही तीनों टीचिंग्स हम पूरी अच्छी तरह से इनका उल्लंघन कर रहे हैं। हम इनका एक भी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें इनका पालन करना है दोस्त। इन सभी का पालन सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्या। ये ब्रह्मचर्या में आपको अपने अंदर के सेल्फ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। आपको सेल्फ डेवलपमेंट का मीनिंग पता लगेगा, जिससे आपको दूसरों के बुरा सुनने की आदत नहीं होगी। और अगर आप बुरा सुनोगे नहीं तो आप बुरा बोलोगे नहीं। ब्रह्मचर्या का मेन मोटिव यही है कि आपको रील वीडियोस और हस्त मैथुन से दूर रखें, जिससे आप बुरा देखोगे भी नहीं और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और एक एंड में जाते जाते एक आपसे बात कहना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं अगर पॉर्न को बैन कर दिया जाए तो इसका इलाज होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है नो। अगर इसको बैन कर दिया तो इसका हल कभी नहीं निकलेगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें। जय हिंद, वंदे मातरम। म्यूजिक।